नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे। कोरोना वायरस COVID-19। वैसे तो इसके लक्षण और बचाव के बारे में आपको समाचार पत्रों से, न्यूज़ से, न्यूज़पेपर से तथा विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा और पैम्पलेट्स के द्वारा भी पता चल रहा है कि इसके उपाय क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। लेकिन हम सब इस मुद्दे पे आते हैं, संबोधित करते हुए बताया था कि जनता कर्फ्यू की अपील की थी और देशवासियों से कहा था कि वे सभी इसको समर्थन दें। और जनता कर्फ्यू 22 मार्च रविवार के दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक रहेगा। 22 मार्च रविवार को सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। जाने वाला एक कर्फ्यू है, इसमें सारी आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो बाधित नहीं रहेगी, लेकिन अनावश्यक रूप से जो है घर के बाहर इधर उधर ना घूमें और इस कर्फ्यू को पूरी तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये वायरस फैलेगा नहीं उतना ही ज़्यादा स्थितियां कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा हमारे मोदी जी ने 5 बजे शाम को लोगों से अपील की है कि वे अपनी खिड़कियों के बाहर, दरवाजों के बाहर आएँ और तेज़ तेज़ जो है थालियाँ बजाएँ, तालियाँ बजाएँ उन लोगों के लिए जो आपकी सेवा में लगे हैं। लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण और है कि जब ये ध्वनियाँ बजती हैं तो वातावरण में बहुत दूर तक जाती है और वातावरण के जितने भी जीवाणु, विषाणु, कीटाणु हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये वायरस के कीटाणु भी जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो सुरक्षित रहें और अपना बचाव करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस कर्फ्यू को सपोर्ट करें। और धन्यवाद।